मसूरी वासियों, व्यापारियों और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में स्थापित रेलवे आउट एजेंसी 80 साल बाद अब बंद होने जा रही है। रेलवे आउट एजेंसी को बंद करने का निर्णय भारत सरकार, रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने लिया है, जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये एजेंसी 1942 ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जब आने जाने के संसाधन कम होते थे और रेलवे से ही यात्रा की जाती थी, तब से यह सुविधा मसूरी वासियों और पर्यटकों को दी जा रही है, लेकिन अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी कर महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली को जारी किया है, जिसमें उत्तर रेलवे के मसूरी स्थित आउट एजेंसी को बंद करने को कहा गया है। मामले को लेकर मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी स्थित रेलवे आउट एजेंसी के बंद करने का निर्णय जनहित में नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल को छोड़कर यह एजेंसी कभी घाटे में नहीं रही और कोरोना के बाद से ये लगातार लाभ वाली एजेंसी रही है, ऐसे में इसे बंद कर दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय रेलवे मंत्री सहित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट।